feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी. मैं हूं मोहम्मद शहबाज. दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज के मुताबिक आईफोन 14 प्रो की कीमत आपकी सोच से कहीं ज्यादा हो गई. ताज़ा तरीन लीक्स बहुत ही हैरानकुन है. आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो की कीमतों में इस साल काफी हद तक इजाफा मुमकिन है. स्मार्टफोन्स की कीमतें और लेटेस्ट फीचर्स इस वीडियो में आप देख सकेंगे. ब्राहे मेहरबानी वीडियो एंड तक लाजमी देखें. दोस्तों, एप्पल एक ऐसा आईफोन 14 लाइनअप लॉन्च करने वाला है जिसमें बहुत सारे न्यू फीचर्स इंक्लूड होंगे. इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले और अपडेटेड कैमरा शामिल हैं. इस दफा पहली बार आईफोन 14 का प्रोसेसर आईफोन 14 प्रो के प्रोसेसर से काफी मुख्तलिफ होगा. ट्रस्टेड एप्पल एनालिस्ट मिंगची कू के मुताबिक आईफोन 14 और आईफोन 14 मैक्स इस साल अपडेटेड प्रोसेसर के साथ लॉन्च नहीं किए जाएंगे, जिसका मतलब है कि डिवाइसेस आईफोन 13 लाइन में इस्तेमाल होने वाला A15 प्रोसेसर को बरकरार रखेंगे, जबकि आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स को एक अपडेटेड प्रोसेसर मिलेगा. इन दोनों डिवाइसेस में एप्पल A16 SoC इस्तेमाल किया जाएगा. जबकि हम अभी तक हकीकी रिजल्ट्स का इंतजार कर रहे हैं. एप्पल सप्लायर TSMC का रोड मैप इशारा करता है कि एप्पल A16 चिपसेट इसी 5nm प्रोसेस पर तैयार किया जाएगा, जिस तरह A15 प्रोसेसर तैयार किया गया है. दोस्तों, अब हम बात करते हैं स्मार्टफोन्स के प्राइसेस के. न्यू आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स पहले से ज्यादा महंगा होने वाला है. हम एक लंबे अरसे से ये सुन रहे हैं कि आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में इस साल कम से कम $100 का इजाफा किया जाएगा. इस तरह प्रो आईफोन के स्टार्टिंग प्राइसेस $999 होंगे. एक न्यू लीक दोबारा इस बात की तस्दीक करता है कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स इस साल $100 महंगे किए जाएंगे. द गैलक्स के नाम से जानने वाले एक टिप्स्टर के जरिए शेयर करदा मालूमात के मुताबिक आईफोन 14 प्रो $1,099 से शुरू हो सकता है, जबकि आईफोन 14 प्रो मैक्स $1,199 से शुरू हो सकता है. सबसे बड़ा अपग्रेड इस दफा स्मार्टफोन का कैमरा है. आईफोन 14 प्रो और आईफोन 14 प्रो मैक्स में इस दफा 12 मेगापिक्सल के बजाय 48 मेगापिक्सल का कैमरा यूज किया जाएगा. ये सेंसर लो लाइट फोटोग्राफी को इम्प्रूव डिटेल्स में शूट करने में मदद करेगा, जैसा कि हाई रेजोल्यूशन एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में होता है. दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन का डिस्प्ले है, जिसमें बहुत सारी तब्दीलियां देखने को मिलेंगी. आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में पिछले मॉडल्स की तरह बिग नॉच नहीं लगाया जाएगा. टॉप फ्रंट स्क्रीन पर एक कैप्सूल और एक होल दिया जाएगा, जिसमें फ्रंट कैमरा और फेस आईडी सेंसर्स यूज किए जाएंगे. दोस्तों, न्यूज के मुताबिक डिस्प्ले में LTPO 2.0 OLED पैनल यूज किया जाएगा, जो डिस्प्ले के रिफ्रेश रेट को 1Hz तक कम करने में मदद दे सकता है. इससे एप्पल को पहली बार एप्पल फ्लैगशिप्स में ऑलवेज ऑन डिस्प्ले यूज करने में मदद मिलेगी, जो कि हर वक्त iOS 16 के लॉक स्क्रीन के विजेट्स को दिखाता रहेगा. दोस्तों, नोट करें, ये सब के सब रूमर्स हैं और एप्पल ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया. इसलिए आपको 2022 में लॉन्च होने वाले एप्पल के ऑफिशियल लॉन्च इवेंट का इंतजार करना पड़ेगा. दोस्तों, इन तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें. दोस्तों, अब तक के लिए बस इतना ही. उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी. ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल साइंस एंड नॉलेज उर्दू हिंदी अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक लाजमी करें. मिलते हैं अगली वीडियो में. रखें अपना बहुत बहुत ख्याल. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go, go.